हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट सीटीएम। जी हाँ, आज मैं बात करूँगी सीटीएम के बारे में कि सीटीएम क्या है और इसको करने से क्या फ़ायदा होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ सीटीएम? तो सीटीएम का मतलब है सी फॉर क्लिनजिंग, टी फॉर टोनिंग और एम फॉर मॉइस्चराइजिंग। तो चलिए आज आपको मैं डेमो दे देती हूँ, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि सीटीएम के फ़ायदे क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ फेस को क्लीन करने के लिए गुड वाइब्स का ब्राइटनिंग फेस वॉश। ये है पपाया का फेस वॉश है और ये पैराबेंस और क्रूटली फ्री है। डीप क्लिनजिंग होती है, तो जब भी आप फेस वॉश यूज़ करें तो अपने फेस को अच्छे से क्लीन करें और अच्छे से क्लीन करें, अच्छे से मसाज करें ताकि आपका फेस डीप क्लीन हो। और साथ ही साथ मैं आपको यूज़ करने के बाद आपको मैं अपना फेस भी दिखाऊंगी कि कितना ब्राइट लगने लगा है। आप रिजल्ट देख सकते हैं कि कितना ब्राइट दिख रहा है फेस। तो अब आपको पता चल गया होगा कि डीप फेस को क्लीन करना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो है टोनिंग। तो टोनिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर। टोनर के फ़ायदे हैं कि आपके पोर्स मिनिमाइज़ करता है और ग्लो प्रोवाइड करता है। तो टोनिंग भी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको रेगुलर यूज़ करना है, चाहे आप मेकअप करो या ना करो। अगर ये स्टेप्स आप रोज़ फॉलो करोगे तो आपके फेस विदाउट एनी मेकअप ग्लो करेगा और ब्राइट स्किन होगी। आई होप आपको टोनिंग वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है मॉइस्चराइज़र। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़हिप सीरम। बहुत अच्छा सीरम है ये, स्किन को हाइड्रेट रखता है और आपके जितनी भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करता है। मेरी फेस विदाउट, जब मैंने फेस वॉश नहीं करता स्किन ड्राई लग रही थी, और अब आप देखिए जब मैंने फेस वॉश कर लिया है और टोनिंग कर ली है और जब अब मैं सीरम लगा रही हूँ तो कितना हाइड्रेट लग रहा है मेरा फेस। तो आप देख सकते हो, रिज़ल्ट आपके सामने है, इसलिए मैंने आपको लाइव डेमो दिया कि आप सामने सामने आप देख पाओ और समझ पाओ कि ये तीनों स्टेप्स हमारी स्किन के लिए कितने ज़रूरी हैं। अगर आप सीरम यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कोई से भी अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, जैसे कि निविया का हो गया, पॉन्ड्स का हो गया। बहुत से मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप अच्छा सा बजट फ्रेंडली हो। और तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये तीनों स्टेप कितने यूज़फुल हैं, आपके हेल्पफुल है आपकी स्किन के लिए। सो गाइज, अगर आपको ये सीटम वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू सो मच।